वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। मैं आप लोगों को बोला था एडवांस एग्जाम स्पेशल टॉप 100 क्लास आप सभी के लिए मैं प्रोवाइड करूंगा, तो ऑलरेडी मैं 16 क्लास प्रोवाइड कर दिया हूं। तो कौन सा जगह में एडवांस एग्ज़ाम होता है, जैसे BARC का बात होता है, IG कर मतलब इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, NFC, इसके बाद NPCL, HWB, VECC, तो ये सभी जगह में दो स्टेज में एग्जामिनेशन होता है, प्रीलिमिनरी, उसका बाद आता है एडवांस एग्ज़ाम। तो एडवांस एग्ज़ाम स्पेशल टोटल टॉप 100 क्लास मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आज का क्लास लेके टोटल 17 क्लास होने वाला है, तो इसका एक अलग से प्लेलिस्ट है मेरा चैनल में, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम स्पेशल भी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हूँ और एडवांस एग्ज़ाम के लिए भी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हूँ। तो आप लोग अगर सभी क्लास को देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी के लिए मैं प्रोवाइड किया हूँ। तो आज IG कर मतलब इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च और NFC न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का एडवांस एग्जाम स्पेशल क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज से आप लोग बोल सकते हैं क्लास 1 स्टार्ट हो रहा है। आज का क्लास में आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो 50 क्वेश्चन के लिए आप लोग को टोटल 150 मार्क्स रहेगा, एक एक क्वेश्चन के लिए आप लोग का 3 मार्क्स रहेगा, एक गलत आंसर के लिए आप लोग का 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि मैं पिछला क्लास भी जैसे लिया था, तो वैसे आप लोग इस क्लास को भी आप लोग देने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए। मॉक टेस्ट का हिसाब से आप लोग इस एग्ज़ाम पेपर को या इस टेस्ट पेपर को आप लोग सोच के चलिए। तो मैं आंसर बताने से पहले ऑप्शन बताऊंगा, तो तभी आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर बताने का कोशिश करना। इसमें आप लोग को प्रिपरेशन भी पता चल जाएगा, 50 में से आप लोग को कितना क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्लास का मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन डिस्कस आंसर करने से पहले सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसे रेगुलर हर टॉपिक से और आप लोगों को हर एग्जाम स्पेशल क्लास पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा चैनल से, ओके। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफेक्ट इफ़ द रिवर टेंड्स टू बेंड एंड डिफॉर्म, क्या दोष है यदि किलक झुक जाता है और विकृत हो जाता है। तो रिवेटिंग डिफेक्ट होता है, जब भी फोर्जिंग करते फोर्जिंग डिफेक्ट होता है, जब भी वेल्डिंग करते वेल्डिंग डिफेक्ट होता है, वैसे रिवेटिंग करते टाइम हम लोग का रिवेटिंग डिफेक्ट होता है। तो रिवेटिंग करते टाइम किस डिफेक्ट के लिए हम लोगों का रिवेट झुक जाता है मतलब बेंड हो जाता है और डिफॉर्म मतलब विकृत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, होल, अगर जो रिवेटिंग करने के लिए हम लोग जो होल बनाते हैं रिवेट प्लेट में, वो होल बड़ा साइज का बन जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, बर्स इन ड्रिलिंग, जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं उसके बाद होल में बर्स रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, रिवेट लेंथ इज़ टू लॉन्ग, रिवेट का लेंथ अगर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तब। ऑप्शन नंबर डी, टू मच फोर्स अप्लाइड व्हाइल रिवेटिंग, फोर्जिंग रिवेटिंग करते टाइम अगर हम लोग ज़्यादा फोर्स दे देते तब रिवेट बेंड हो जाता है और डिफॉर्म हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होल टू लार्ज, जब होल बहुत बड़ा हो जाएगा तब रिवेट झुक जाता है और विकृत हो जाता है। कैसे, सोचो हम लोग रिवेटिंग करके क्या करते, दो प्लेट को ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे दो प्लेट हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें होल बनाते हैं, ये होल हम लोग बना लिए सोचो, तो रिवेट का साइज अगर सोचो 1.6 मिलीमीटर है, ओके, सैंक डायमीटर 1.6 मिलीमीटर है। तो रिवेट का जो ये जो प्लेट में होल बनाते हैं तो उसका साइज सोचो 1.8 मिलीमीटर हम लोग बना लिए, मतलब उससे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग रिवेट को जब भी इसके अंदर डालते हैं, इसके बाद ऊपर में जो रिवेट का टेल रहता है, टेल को हम लोग बॉल पिन हैमर का मदद से उसको फिर से रिवेट का शेप में हम लोग बनाते हैं, तब अगर रिवेट में जो प्लेट है, प्लेट में अगर होल का साइज बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, रिवेट इसके अंदर प्ले होते रहेगा मतलब खेलेगा, कभी इधर जाएगा बेंड हो जाएगा, कभी इधर बेंड हो जाएगा, तो बेंड हो जाएगा और जब भी हम लोग उसको रिवेटिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो विकृत भी हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, ओके। तो रिवेटिंग करते टाइम रिवेट का जो साइज होता है उससे थोड़ा सा बड़ा साइज का होल हम लोग को बनाना चाहिए, ज़्यादा बड़ा होल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर खेलने का ज़्यादा उसको मौका मिल जाएगा और वो उसमें बेंड हो जाएगा और जब भी हम लोग रिवेटिंग कर देंगे बॉल पिन हमारे से तब भी वो डिफॉर्म मतलब विकृत हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द मूवेबल जॉ
of a bench vise does not open out even though the handle is rotated. What is the reason behind this? एक बेंच वाइस का मूवेबल जो हैंडल घुमाए जाने पर भी खुलता नहीं है, क्या कारण हो सकता है? ओके, तो आप लोग जानते वाइस का क्या होता है, बेंच वाइस का एक फिक्स जो होता है और एक मूवेबल जो होता है। तो मूवेबल जो क्या होता है, वो मूव होता है। ओके, तो कब मूव होता है, जब हम लोग बेंच वाइस का हैंडल को घुमाते हैं। तो हैंडल को घुमाने के बाद भी मूवेबल जो मूव नहीं होता, इसका कारण क्या हो सकता? ऑप्शन नंबर ए, द थ्रेड्स आर स्लाइटली ओन्ड आउट, ए ओन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें जो थ्रेड रहता है स्क्वायर थ्रेड थोड़ा सा अगर ख़राब हो जाता है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, द स्प्रिंग इज नॉट फंक्शनिंग, उसका अंदर जो स्प्रिंग रहता है वो ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है इसीलिए। ऑप्शन नंबर सी, द स्पिंडल पिन इज ब्रोकन, स्पिंडल का जो पिन रहता है वो अगर टूट जाता है तब ये फॉल्ट आता है। ऑप्शन नंबर डी, द जो आर ओवर टाइटन, जो अगर ओवर टाइटन हो जाता तब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द स्पिंडल पिन इज ब्रोकन, स्पिंडल पिन अगर टूट जाता है तब इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। स्पिंडल पिन टूटता क्यों है, क्योंकि ये माइल्ड स्टील से बनता है, मृदु इस्पात से बनता है, इसीलिए नरम होता है, नरम होने के कारण टूट जाता है ज़्यादा अगर हम लोग ओवर टाइटन करते। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बेंच वाइस में कोई भी ऑपरेशन करते टाइम, मतलब कोई भी चीज़ को ग्रिपिंग करते टाइम अगर हम लोग ज़्यादा ओवर टाइटन कर देते, मतलब ज़्यादा टाइट कर देते, तब कौन सा चीज़ डैमेज हो जाता है? तो स्पिंडल डैमेज हो जाता है। ओके, क्योंकि ये माइल्ड स्टील से बनता है इसीलिए। ओके, समझ में आ गया। तो स्पिंडल पिन अगर टूट जाता है तब हैंडल घुमाने पर भी मूवेबल जो आगे पीछे नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री आप देख सकते हैं। आज का क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है और नया नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि रेगुलर मैं एक ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूँ, एक एक क्लास से आप लोगों को बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है और आप लोगों को रिविजन भी होता है। ये जो टॉप 100 क्लास है, मैं अगर कंप्लीट कर पाऊंगा तो ये टॉप 100 क्लास आप लोगों को जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है ना एडवांस टेस्ट में, क्या होता है इसमें आप लोग का 45 क्वेश्चन सेम आता है लेकिन 5 क्वेश्चन में आप लोग का कटअप बन जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो नया नया क्वेश्चन है उसको इस क्लास में कवर करने के लिए, क्योंकि एडवांस टेस्ट है। एडवांस मतलब थोड़ा क्वेश्चन एडवांस लेवल का भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्लास को रेगुलर देखा कीजिए, आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि मेरा से जितना हो सके मैं उतना ही आप लोग के लिए एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाइल हैक्सोइंग मेटल विथ हैंड हैक्सो, जब हम लोग हैंड हैक्सो देके हैक्सोइंग करते जनरली द ब्लेड ब्रेक्स ड्यू टू, हैक्सो ब्लेड कभी कभी टूट जाता है, तो इसका पीछे कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, जेनरेशन ऑफ हीट, हीट जेनरेशन होता है इसीलिए। ऑप्शन नंबर बी, द टीथ बींग ओन आउट, टीथ खराब हो जाता है इसीलिए हैक्सो ब्लेड टूट जाता है। ऑप्शन नंबर सी, द ट्विस्ट गिवन व्हाइल स्विंग, हैक्सो करते टाइम अगर ज़्यादा हम लोग ट्विस्ट दे फेलते हैं, मतलब ज़्यादा बेंड हो जाएगा तब। ऑप्शन नंबर डी, द ब्लेड बींग टाइटन टू मच, ब्लेड को अगर ज़्यादा टाइटन कर देंगे तब ब्लेड टूट जाता है। तो इसका दो तीन रीज़न हो सकता है, ब्लेड को अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तब भी हो सकता है, जेनरेशन ऑफ हीट भी हो सकता है, लेकिन इसका एक्चुअल जो राइट आंसर हो जाएगा, द ट्विस्ट गिवन व्हाइल स्विंग, हम लोग अगर ज़्यादा टाइटन करके रखते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोचो ऐसे मेटल हम लोग कट रहे, ऐसे स्लॉट बन रहा है, ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग ब्लेड को डाले हैं तो इसमें ज़्यादा अगर ट्विस्ट दे दे, मतलब ट्विस्ट मतलब घुमाना है, तो थोड़ा सा अगर ब्लेड को ऐसे ऐसे घूम जाए, कभी कभी सोचो इधर घुमा देते हाथ, कभी इधर, मतलब ट्विस्ट करते, मतलब थोड़ा सा पैंच जैसा होता है, तो ब्लेड को हैक्सोइंग करते टाइम उतना अगर थोड़ा सा टेढ़ा करके हम लोग कर देते तो क्या होता है, मेटल का साथ कॉन्टैक्ट में आ जाता है और ऐसे भी तो गर्म रहता है क्योंकि वो फ्रिक्शन हो रहा है मेटल जॉब काटते टाइम, और अगर ज़्यादा टाइट भी रहेगा तब तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा अगर हम लोग थोड़ा सा ट्विस्ट दे देंगे तो क्या होता है, वो ब्लेड टूट जाता है क्योंकि मेटल का साथ कांटेक्ट में आ जाता है इसीलिए। ओके, तो एक्चुअली इसका राइट आंसर हो जाता है ट्विस्ट गिवन व्हाइल स्विंग, हैक्सोइंग करते टाइम हम लोग को सीसो मोशन हम लोग को रखना चाहिए, स्ट्रेट हम लोग को कटना चाहिए, जब हम लोग कटिंग स्ट्रोक देते हैं मतलब फॉरवर्ड स्ट्रोक देते हैं वो होगा कटिंग, और जब हम रिटर्न आएगा वो होगा रिलीज स्ट्रोक, तो वैसे अगर हम लोग करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे करेंगे कभी कभी ऐसे करेंगे तो ऐसे ट्विस्ट हम लोग ज़्यादा दे रहे इसलिए ब्लेड टूट जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, ए ड्रिफ्ट इज यूज्ड फॉर, ड्रिफ्ट का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ड्राइंग ए ड्रिल लोकेशन
ड्रिल लोकेशन को ड्राइंग करने के लिए ऑप्शन नंबर बी फिक्सिंग चक ऑन द मशीन स्पिंडल, मशीन स्पिंडल में चक को फिक्स करते टाइम ड्रिप का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर सी रिमूविंग ए ब्रोकन ड्रिल फ्रॉम द वर्कपीस से टूटे हुआ ड्रिल को निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर डी रिमूविंग द ड्रिल फ्रॉम द मशीन स्पिंडल, मशीन स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी मशीन स्पिंडल होता है ओके उसमें आड़बर रहता है, और आड़बर में जब भी हम लोग टेपर सेंक ड्रिल को थोड़ा सा भी झटका देते तो क्या होता है ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाता है, क्योंकि इसमें रहता है मोर स्टेपर जिसको बोलते हैं सेल्फ होल्डिंग टेपर, तो ऑटोमेटिकली वो तो होल्ड हो जाता है, लेकिन उसको निकालने के लिए हम लोग अगर खींचेंगे फिर भी निकलेगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग एक ड्रिफ्ट इस्तेमाल करते हैं वेज शेप का। तो जब भी हम लोग ड्रिफ्ट को इधर हैमर से अगर थोड़ा सा मारते हैं इधर एक गैप रहता है तो क्या होता है ये जो अड़बड़ रहता है अड़बड़ से या बोल सकते मशीन स्पिंडल से टेपर सेंक ड्रिल निकल के आ जाता है। ओके तो ड्रिफ्ट हम लोग यूज़ करते हैं ओनली टेपर सेंक ड्रिल को मशीन स्पिंडल से निकालने के लिए, और पैरेलल सेंक जो ड्रिल होता है उसके लिए तो चक की यूज़ होता है, चक यूज़ होता है तो उसको खोलने के लिए हम लोग तो चक की यूज़ करते हैं। ओके तो और एक ड्रिफ्ट आता है, और एक ड्रिफ्ट कहाँ पे आता है फोर्जिंग करते टाइम, और एक ड्रिफ्ट आता है। तो फोर्जिंग करते टाइम एक होता है पंचिंग ऑपरेशन और एक होता है ड्रिफ्टिंग। तो पंचिंग मतलब क्या होता है फोर्जिंग में जो हम लोग एनविल यूज़ करते हैं, एनविल में राउंड जो होल होता है, राउंड होल में क्या होता है मतलब उसमें एक होल रहता है। ओके तो हम लोग को अगर कोई भी एक वर्कपीस है, सोचो ऐसे वर्कपीस है, वर्कपीस का ऊपर सोचो कोई भी रेक्टेंगुलर या कोई भी अगर ट्रायंगुलर या कोई भी ओवल शेप का अगर हम लोग को होल बनाना है तो वैसे हम लोग एक टूल यूज़ करते हैं, टूल यूज़ करके हम लोग होल उसी शेप का बनाते हैं। ओके तो कहाँ पे रख के करते हैं जो एनविल का राउंड होल होता है उसका ऊपर रख के करते हैं, तो जिसका मदद से हम लोग ये अलग अलग शेप का होल बना सकते हैं उसको बोलते हैं पांच। तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं पांच इज़ यूज्ड फॉर फॉर्मिंग होल्स ऑफ एनी शेप। पांच यूज़ हम लोग करते हैं कोई भी शेप का होल को फॉर्म करने के लिए, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, ओवल, राउंड, स्क्वायर, जो भी शेप का होल बनाना है हम लोग कर सकते हैं। तो और जॉब का हम लोग कहाँ पे रखते हैं ये भी आप लोग को जानना चाहिए, एनविल का जो राउंड होल होता है राउंड होल में हम लोग जॉब को रखते हैं। ओके तो ये तो हो गया पांच, मतलब वही सा है जो हम लोग को होल का शेप बनाना पड़ेगा उसी शेप का एक टूल हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा उसके ऊपर। सोचो ऐसे एक टूल है ट्रायंगुलर हम लोग को होल बनाना, ऐसे एक टूल है। ओके तो इसके ऊपर रख के जब भी हम लोग हैमरिंग करेंगे, हैमर से मारेंगे तो क्या हो जाएगा इसी शेप का होल बन जाएगा वर्कपीस में। ओके तो ये जो होल बनता है इसी होल का साइज को अगर बड़ा करना पड़ता है, मतलब साइज में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा करने के लिए जो टूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है तो ड्रिफ्ट टू टाइप का होता है, एक तो हम लोग मशीन स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और एक फोर्जिंग ऑपरेशन में यूज़ होता है। फोर्जिंग ऑपरेशन में कब यूज़ होता है जब पांच होल होता है, मतलब पहले से हम लोग होल फॉर्म कर दिए उसका होल को बड़ा करने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो पांच और ड्रिफ्ट किस मटेरियल से बनता है, पांच और ड्रिफ्ट बनता है 0.8% कार्बन स्टील से बनता है। ओके ये हार्डेंड और टेम्पर्ड होता है, और ड्रिफ्ट को पकड़ने के लिए एक वायर हैंडल हम लोग यूज़ करते हैं, नहीं तो हम लोग हाथ से उसको पकड़ नहीं सकते हैं। समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द साइज ऑफ द डिवाइडर आर स्पेसिफाइड बाय। डिवाइडर का साइज हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, तो आप लोग जानते हैं डिवाइडर के क्या होता है दोनों शार्प पॉइंट होता है। ओके और इसका जो जॉइंट होता है इसका टू टाइप का जॉइंट होता है, एक होता है फार्म जॉइंट और दूसरा होता है स्प्रिंग जॉइंट। ओके स्प्रिंग जॉइंट में स्प्रिंग रहता है और फार्म जॉइंट में क्या होता है इसमें हम लोग रिवेटिंग करके उसको ज्वाइनिंग कर देते हैं। तो ये जो मेन पॉइंट होता है इन दोनों को जो हम लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसका जो सेंटर पोर्शन होता है उससे जो पॉइंट होता है ये पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं डिवाइडर का साइज कहते हैं। ओके इसको आप बोल सकते हैं ये जो पॉइंट होता है इसको आप लोग पाइवट बोल सकते हैं। ओके पाइवट से पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है इसको बोलता है डिवाइडर का साइज। ओके तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है डिवाइडर को साइज हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द लेग, लेग का टोटल लेंथ हम लोग ऐड करके करते हैं। ऑप्शन नंबर बी डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स व्हेन फुल्ली ओपन, जब हम लोग फुल्ली ओपन कर दे तो उसका बाद जो डिस्टेंस होता है ये जो डिस्टेंस होता है उसका मदद से हम लोग डिवाइडर का साइज को स्पेसिफाई करते हैं। ऑप्शन नंबर सी लेंथ ऑफ लेग्स विदाउट पॉइंट, पॉइंट छोड़ के लेग का लंबाई से हम लोग डिवाइडर को स्पेसिफाई करते हैं। ऑप्शन नंबर डी डिस्टेंस बिटवीन द पाइवट एंड द पॉइंट, ये जो पाइवट है पाइवट से पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसका
आप मदद से हम लोग डिवाइडर का साइज को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो डिवाइडर का साइज हम लोग लेते हैं, ये जो पाइवट पॉइंट पाइवट होता है, पाइवट से जो पॉइंट तक डिस्टेंस होता है उसका मदद से हम लोग डिवाइडर का साइज को स्पेसिफाई करते हैं। तो डिवाइडर का साइज कैसे वेरी करता है, 50 से 200 मिलीमीटर के अंदर ये वेरी करता है, ठीक है। तो डिवाइडर का साइज अगर बोलेगा तो 50 से 200 मिलीमीटर का अंदर इसका साइज वेरी करता है। तो जनरली 150 mm का डिवाइडर हम लोग यूज़ करते हैं, इंच में अगर पूछेगा तो 6 इंच हो जाएगा, ओके। और डिवाइडर किस मटेरियल से बनता है, माइल्ड स्टील से बनता है। डिवाइडर हम लोग किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, मेटल का ऊपर कोई भी अगर सर्कल बनाना है या आर्क बनाना है या कोई भी डिस्टेंस को अगर ट्रांसफ़र करना है, स्टील रूल से अगर डिस्टेंस को मेटल जॉब का ऊपर ट्रांसफ़र करना है तब हम लोग डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं, ओके। ये इतना ही पॉइंट आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच टाइप ऑफ एप्रॉन इज यूज्ड व्हाइल डूइंग वेल्डिंग। वेल्डिंग करते टाइम कौन सा टाइप ऑफ एप्रॉन का हम लोग को यूज़ करना चाहिए, तो एप्रॉन आप लोग जानते हैं क्या होता है, वो हम लोग को पहन के वेल्डिंग करना चाहिए, नहीं तो हम लोग जो हॉट स्वेटर होता है वो हम लोग को शरीर में लगेगा तो शरीर जल जाएगा। तो एप्रॉन आप कौन सा टाइप का यूज़ करना चाहिए, कॉटन या प्लास्टिक या सिल्क या लेदर एंड ऊन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, लेदर एंड ऊन, मतलब चमड़ा और पहना हुआ एप्रॉन हम लोगों का होना चाहिए वेल्डिंग करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच मटेरियल इज यूज टू मेक द ब्लो पाइप फॉर कटिंग मटेरियल। कोई भी सामग्री को कटने के लिए जो कटिंग ब्लो पाइप हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो ब्लो पाइप किस मटेरियल से बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गैस कटिंग के बारे में एडवांस डिस्कस क्लास में मैं बहुत बार आप लोग को डिस्कशन कर दिया हूँ क्या क्या होता है, क्या एक्स्ट्रा क्या होता है। जो कटिंग ब्लो पाइप होता है और वेल्डिंग ब्लो पाइप होता है सेम होता है, ओके, लेकिन जो कटिंग ब्लो पाइप होता है उसमें एक एक्स्ट्रा कंट्रोल लीवर रहता है। तो एक्स्ट्रा कंट्रोल लीवर का क्या काम होता है, उसमें कटने के लिए हाई प्रेशर ऑक्सीजन का सप्लाई देते हैं, प्योर हाई प्रेशर ऑक्सीजन का सप्लाई देते हैं, ये आप लोग को जानना चाहिए। इसका बाद भी इसका नोजल किस टाइप का होता है इसका बारे में भी मैं आप लोग का साथ बता दिया हूँ, ओके। तो इसमें आपको जस्ट बोला है जो कटिंग ब्लो पाइप होता है वो किस मटेरियल से बनता है, ऑप्शन आप देख सकते हैं कॉपर ब्रास एल्यूमिनियम ब्रोंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रास से बनता है। और ब्रास किसका एलोई में बनता है, कॉपर और जिंक का एलोई में बनता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, व्हाइल गैस कटिंग द नोजल शुड बी। तो गैस कटिंग करते टाइम नोजल किस टाइप का होता है ये आप लोग को सबसे पहले जान लेना चाहिए। गैस कटिंग ब्लो पाइप में जो नोजल होता है, ओके, उसमें एक सेंटर में होल रहता है और उसका आसपास सर्कमफेरेंस में और भी होल होता है छोटा छोटा, ओके। तो ये जो मिडिल वाला होल होता है इससे क्या आता है, इससे आता है हाई प्रेशर कटिंग ऑक्सीजन आता है, ओके। सिर्फ कटिंग ऑक्सीजन हाई प्रेशर में आता है और बाकी जो छोटा छोटा होल रहता है सर्कमफेरेंस बराबर, तो एक किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, प्री हीटिंग पर्पज़ के लिए, मतलब मेटल को कटने से पहले हीट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, ओके। और वेल्डिंग ब्लो पाइप का नोजल किस टाइप का होता है, इसमें एक ही होल रहता है जहाँ से दोनों मिक्स होके आता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिक्स होके आता है और मेटल को हीट करता है, उसका बाद हम लोग वेल्डिंग करते जब मेटल पिघले जाते हैं, ओके। तो ये होता है कटिंग ब्लो पाइप, और अगर बात करते हैं वेल्डिंग ब्लो पाइप के बीच में मेन डिफरेंस, तो कटिंग करते टाइम नोजल वर्कपीस से कितना mm दूरी में रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए टचिंग द वर्क से उस संपर्क में आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 2 mm अवे फ्रॉम द वर्क 2 mm वर्क से ऊंचा रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 5 mm अवे फ्रॉम द वर्क 5 mm कर्जों से ऊंचा रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी 10 mm अवे फ्रॉम द वर्क 10 mm कर्जे से ऊपर रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 5 mm अवे फ्रॉम द वर्क। तो जब भी गैस कटिंग करते हैं तो सोचो ऐसे वर्क पीस है तो उसका साथ कॉन्टेक्ट नहीं आना चाहिए, तो 5 mm का गैप हम लोग को रखना चाहिए, ओके। तो उसमें क्या होता है, उसमें अच्छा से मेटल हीट हो पाता है और उसमें हम लोग को अच्छा से कट भी सकता है, नोजल अगर टच हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा, नोजल का फेस में पिघला हुआ मेटल चिपक जाएगा, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ एन इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड धारक का आकार कैसे निर्दिष्ट करते हैं, ऑप्शन आप देख सकते हैं बाय इट्स वेट,
मतलब इसका वजन से हम लोग इसको स्पेसिफाई करते ऑप्शन नंबर बी बाय इट्स शेप, इसका शेप देख के हम लोग इसको स्पेसिफाई करते ऑप्शन नंबर सी बाय इट्स करेंट कैरिंग कैपेसिटी, कितना करेंट उसका कैपेसिटी होता है उसका हिसाब से हम लोग उसको निर्दिष्ट करते ऑप्शन नंबर डी बाय द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, मतलब कौन सा मेटेरियल से हम लोग उसको बनाया है उसके ऊपर इलेक्ट्रोड होल्डर का साइज डिफेंड अप करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाय इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो एक इलेक्ट्रोड जो होल्डर होता है उसका साइज हम लोग कैसे लेते हैं, वो कितना करंट क्या मतलब वो कैरी कर सकते हैं उसका कैपेसिटी का ऊपर इलेक्ट्रोड का साइज डिपेंड करता है। ओके, तो इलेक्ट्रोड होल्डर क्या करता है, जो इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है और मैनिपुलेट होता है, मतलब कार्य करते टाइम उसका जो भी काम होता है इलेक्ट्रोड होल्डर हम लोग इलेक्ट्रोड को पकड़ के करते हैं। ओके, और इसका साथ जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है उसका साथ एक केबल रहता है, तो एक केबल को हम लोग कैसे इंसुलेट करते हैं, इसमें जो कॉपर अंदर में क्या रहता है, कॉपर वायर रहता है। ठीक है, कॉपर वायर क्यों रहता है, क्योंकि इसके अंदर से हाई करंट को पास करना चाहिए इसलिए रहता है। और एक कॉपर वायर को इंसुलेट करने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं गुड क्वालिटी फ्लेक्सिबल रबर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन आप लोग को पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर का सब जो केबल रहता है उसमें कौन सा मतलब कोर वायर हम लोग यूज़ करते हैं, कॉपर का कोर वायर यूज़ करते हैं। अगर बोलते कॉपर का कोर वायर को इंसुलेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, गुड क्वालिटी फ्लेक्सिबल रबर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई एसिटिलीन सिलेंडर शुड ऑलवेज बी केप्ट अप राइट स्लैश वर्टिकल, मतलब एसिटिलीन सिलेंडर को वेल्डिंग करते टाइम क्यों उसको ऑलवेज खड़ा करके हम लोग रखते हैं, वर्टिकल पोजीशन में क्यों हम लोग रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए टू हेल्प इन वेल्डिंग इन वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग करते टाइम इसको मदद करता है इसीलिए। ऑप्शन नंबर बी टू अवॉइड फ्लो ऑफ एसीटोन लिक्विड एलोंग विद द गैस, गैस का साथ एसीटोन लिक्विड का फ्लो होने के लिए हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी टू गेट यूनिफॉर्म रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैस, गैस का फ्लो रेट को यूनिफॉर्म पाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी टू सेव फ्लोर स्पेस, फ्लोर का स्पेस को कम करने के लिए या बचाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब भी एसिटिलीन सिलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं गैस वेल्डिंग के टाइम उसको हम लोग ऑलवेज खड़ा करके रखते हैं, इसका कारण होता है जो गैस होता है गैस का साथ एसीटोन लिक्विड एक साथ मिक्स ना हो जाए, तो इसीलिए उसको हम लोग अवॉइड करने के लिए उसको हम लोग खड़ा करके रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसिटिलीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C2H2 होता है। ओके, और आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकता है एसिटिलीन सिलेंडर में किस फॉर्म में रहता है, डिजॉल्व फॉर्म में रहता है या बोल सकते लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो वो एसीटोन का रूप में रहता है, ये आप लोग को जानना चाहिए। अगर एसिटिलीन सिलेंडर का कैपेसिटी पूछे जाता है तो 6 meter cube इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो एसिटिलीन सिलेंडर के अंदर एसिटोन को हम लोग कितना प्रेशर में डालते वो भी आप लोगों को जानना चाहिए, 15 to 16 kg/cm² प्रेशर में हम लोग एसिटिलीन सिलेंडर के अंदर एसिटोन को रखते हैं। ओके, इसका कलर होता है मैरून, ये भी आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई इज नॉट अवेलेबल वी कैन डू आर्क वेल्डिंग विथ, जहाँ पे मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई अवेलेबल नहीं होता है उधर आर्क वेल्डिंग कर सकते हैं, तो किसका मदद से हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इंजन जनरेटर सेट, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफार्मर सेट, ऑप्शन नंबर सी मोटर जनरेटर सेट, ऑप्शन नंबर डी रेक्टिफायर सेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ को चलाने के लिए हम लोग को मेन सप्लाई का, मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इंजन जनरेटर सेट जो होता है इसको चलाने के लिए हम लोग को पेट्रोल या डीजल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका कॉस्ट आप बोल सकते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, चलाने के लिए इसका कॉस्ट ज़्यादा लग सकता है मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई से, लेकिन इसको हम लोग कहीं भी लेके जा सकते हैं और जहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है उधर हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। अगर बात आते हैं ट्रांसफार्मर सेट का, तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक टाइप का वेल्डिंग मशीन होता है जो एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट करता है। फिर से आप लोग सुन लीजिए, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर एक एसी वेल्डिंग मशीन होता है जो एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। एसी मेन सप्लाई में एक्चुअली क्या रहता है, उसमें रहता है हाई वोल्टेज लो करंट रहता है, तो जब भी वेल्डिंग आप बोल सकते हैं एसी वेल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट कर देते तब क्या हो जाता है, एसी वेल्डिंग सप्लाई में हाई करंट रहता है और वोल्टेज लो रहता है। ओके,
और इसमें हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। मोटो जनरेटर सेट का अगर बात करते हैं तो एक क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू जेनरेट डीसी फॉर आर्क वेल्डिंग, ये डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं आर्क वेल्डिंग के लिए। ओके, इसको हम लोग एसी या डीसी मोटर का मदद से भी हम लोग चला सकते हैं। ओके, और जो रेक्टिफायर सेट का बात आता है, रेक्टिफायर सेट का मदद से हम लोग क्या करते हैं, एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ऑल्टरनेट करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टिफायर सेट का इस्तेमाल करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आप देख सकते हैं, व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली इफ सिलेंडर लीक्स ड्यू टू डिफेक्टिव वाल्व और सेफ्टी प्लग। दोषपूर्ण वाल्व या सेफ्टी प्लग के कारण सिलेंडर लीक होने पर तुरंत क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, ट्राई टू रिपेयर इट योरसेल्फ, खुद उसको मरम्मत कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, आस्क अदर टू रिपेयर इट, किसी दूसरे को मरम्मत करने के लिए बोलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, इन्फॉर्म टू द सप्लायर, जो सिलेंडर सप्लाई किए उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, मूव इट टू ए सेफ एरिया, सुरक्षित जगह में उसको लेके जाना चाहिए, मतलब उसको मूव कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूव इट टू ए सेफ एरिया, सुरक्षित जगह पर सिलेंडर को मूव कर देना चाहिए। ठीक है, तो जब भी डिफेक्टिव वाल्व या डिफेक्टिव सेफ्टी प्लग का वजह से सिलेंडर में लीक होता है तो उसी सिलेंडर को एक सुरक्षित जगह में मूव करके लेके जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग रूट गैप इन ए बट जॉइंट। बट जोड़ में रूट गैप सेट करने का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, टू मेंटेन द अलाइनमेंट, जो अलाइनमेंट होता है उस अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ फ्यूजन, रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ फ्यूजन मतलब निर्दिष्ट डेप्थ तक उसका फ्यूजन हो सके, इसीलिए हम लोग उसको अब गैप रखते हैं दोनों प्लेट का बीच में। ऑप्शन नंबर सी, टू डिपॉजिट मोर मेटल, ज़्यादा से ज़्यादा मेटल डिपॉजिट हो सके इसीलिए गैप रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, फॉर कंट्रोलिंग ऑफ डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए हम लोग उसमें गैप देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब भी हम लोग बार वेल्डिंग करते हैं तो दोनों प्लेट के बीच में हम लोग गैप देते हैं, तो जिसको रूट गैप कहते हैं। क्यों देते हैं, टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ फ्यूजन, रिक्वायर्ड डेप्थ तक मतलब मेटल का जितना थिकनेस है उतना डेप्थ तक मेटल, जो पिघला हुआ मेटल इसका अंदर तक है, डेप्थ ऑफ फ्यूजन मतलब जो मेटल है उसका अंदर तक आने के लिए हम लोग उसका बीच में गैप देते हैं। अगर गैप ज़्यादा नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें अंदर तक मेटल नहीं जाएगा तो डिफेक्टिव वेल्डिंग जॉइंट तब बनेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग प्रॉपर डेप्थ ऑफ फ्यूजन पाने के लिए बार जॉइंट में दोनों प्लेट के बीच में हम लोग रूट गैप प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आप देख सकते हैं, व्हाट इज द कलर कोड यूज टू आइडेंटिफाई ए CO2 गैस सिलेंडर। CO2 गैस सिलेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा कलर कोड हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो जैसे आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन के लिए ब्लैक कलर का होता है सिलेंडर, अगर एसिटिलीन का बात करते तो मैरून कलर का होता है, लेकिन CO2 के लिए क्या होता है? तो चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ब्लू बॉडी विथ व्हाइट नेक, ऑप्शन नंबर बी ब्लू बॉडी विथ रेड नेक, ऑप्शन नंबर सी ब्लैक बॉडी विथ व्हाइट नेक, ऑप्शन नंबर डी ब्लैक बॉडी विथ रेड नेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक बॉडी विथ व्हाइट नेक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अलग अलग गैस सिलेंडर को अलग अलग कलर कोड देना चाहिए, नहीं तो काम करते टाइम हम लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अलग अलग अगर कलर कोड दे देंगे तो हम लोग इजीली पहचान सकते हैं कि ब्लैक सिलेंडर मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर है, अगर ब्लैक बॉडी रहेगा व्हाइट नेक रहेगा मतलब CO2 सिलेंडर है, अगर मैरून कलर का सिलेंडर रहेगा मतलब वो एसिटिलीन सिलेंडर है, तो ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं, इसीलिए हम लोग कलर कोड देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लियरेंस एंगल ऑफ ए ड्रिल इज बिटवीन, ड्रिल का क्लियरेंस एंगल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 3 to 5 degree, ऑप्शन नंबर बी 12 to 20 degree, ऑप्शन नंबर सी 8 to 12 degree, ऑप्शन नंबर डी 15 to 20 degree। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 to 12 degree। ओके, अब सभी स्टूडेंट ने जानते इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सॉलिड टाइप ऑफ टैप रेंज इज, ठोस पोकर की टैप रेंज कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए, नॉट एडजस्टेबल टू टेक डिफरेंट साइजेस ऑफ टैप, अलग अलग साइज का टैप को ये एडजस्ट नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी, सूटेबल फॉर थ्रेडिंग होल्स इन रेस्ट्रिक्टेड प्लेसेस, कोई भी एक संकीर्ण जगह है या जटिल जगह में अगर होल का अंदर थ्रेड कटना होता है तब इसके लिए सूटेबल होता है। ऑप्शन नंबर सी, ओपनिंग ऑफ द जॉ कैन बी एडजस्टेड टू टेक डिफरेंट साइजेस, इसका जॉ ओपनिंग रहता है और इसका हम लोग एडजस्ट कर सकते डिफरेंट डिफरेंट साइजेस ऑफ टैप को होल्ड करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, यूज्ड फॉर ब्रोकन टैप, टूटे हुआ टैप के लिए हम लोग सॉलिड टैप रेंज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉट एडजस्टेबल टू टेक डिफरेंट साइजेस ऑफ टैप, डिफरेंट साइजेस ऑफ टैप
को ये होल्ड करने के लिए हम लोग सॉलिड टैप रेंच का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें सर्टेन साइजेस ऑफ टैप को हम लोग आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसका चार साइड होता है, चार साइड में चार साइज का टैप हम लोग होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो टैप का डैमेज को ये बचाता है। तो कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन में पूछे जाता है कौन सा टैप रेंच टैप को डैमेज होने से बचाता है, तो सॉलिड टाइप टैप रेंच यूज़ होता है टैप को डैमेज होने से बचाने के लिए। अगर रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस में होल का अंदर थ्रेड कटना होता तब हम लोग टी हैंडल टैप रेंच यूज़ करते हैं, ओके। और अगर आप लोग को ऐसे बोलेगा कि लार्ज डायमीटर टैप को होल्ड करना है और जहाँ पे हम लोग ओपन प्लेस में कोई भी हम लोग को ऑब्स्ट्रक्शन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ऐसे जगह में अगर हम लोग को टैपिंग करना है तो कौन सा टैप रेंज हम लोग यूज़ करते हैं, डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंच, जिसको बार टाइप टैप रेंच कहते हैं, डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंच जिसको बार टाइप टैप रेंच कहते हैं, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई इज यूज्ड फॉर। एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई का उपयोग डेस्क के लिए किया जाता है। सबसे पहले आपका जानना चाहिए कि डाई का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब एक्सटर्नल थ्रेड को कटना पड़ता है तब हम लोग डाई का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो थ्री टाइप का जनरली डाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आता है सर्कुलर स्प्लिट डाई, जिसको बोलते हैं बुटन डाई। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुटन डाई किसको कहते हैं, सर्कुलर स्प्लिट डाई को कहते हैं। इसका बाद आता है हाफ डाई, ओके, ये दो पीस में डिवाइड होता है। और इसका बाद आता है एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई, ये भी टू पीस में अवेलेबल होता है, ओके। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए हम लोग एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डाई को होल्ड करने के लिए हम लोग कौन सा डाई स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं, क्विक कट डाई स्टॉक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई को होल्ड करने के लिए हम लोग कौन सा डाई स्टॉक इस्तेमाल करते हैं, क्विक कट डाई स्टॉक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, टैपिंग इज मोस्टली डन टू प्रोड्यूस। टैपिंग ज़्यादातर उत्पादन करने के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर ए एक्सटर्नल वी थ्रेड, ऑप्शन नंबर बी इंटरनल वी थ्रेड, ऑप्शन नंबर सी एक्सटर्नल स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन नंबर डी इंटरनल स्क्वायर थ्रेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनल वी थ्रेड, ओके। तो टैप का इस्तेमाल करके हम लोग इंटरनल थ्रेड को काट सकते हैं, वो होता है वी थ्रेड, इसका एंगल होता है 60 डिग्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोसेस ऑफ बीवेलिंग द एंड ऑफ ए होल इज कॉल्ड। किसी छिद्र के सिर को बीवेल करने का प्रक्रिया को क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप देख सकते हैं, काउंटर बोर्डिंग, काउंटर सिंकिंग, स्पॉट फेसिंग, रिमिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काउंटर सिंकिंग। कोई भी एक ऐसा जॉब है, जॉब का अंदर अगर ऐसे होल है तो होल का फ्रंट पोर्शन को बीवेलिंग करना, मतलब चैम्परिंग करने के लिए जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं उसको काउंटर सिंकिंग बोलते हैं, ओके। ऐसे अगर सॉकेट हेड स्क्रू होता या कैप स्क्रू होता उसको स्थान देने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन करते हैं, काउंटर बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। वॉशर या बोल्ट जो होता है उसको स्थान देने के लिए हम लोग होल का अंदर जो सिटिंग बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं स्पॉट फेसिंग कहते हैं, ओके। और रिमिंग क्या होता है, कोई भी ड्रिल किया हुआ होल को थोड़ा सा साइज में बढ़ाना, थोड़ा सा बहुत कम है, और उसका फिनिश को बहुत ही तकड़ा करने के लिए हम लोग रिमिंग करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग एट द एंड ऑफ ए होल फॉर एकोमोडेटिंग सॉकेट हेड स्क्रू इज कॉल्ड। तो मैं आप लोग को अभी डिस्कशन कर दिया हूँ, कोई भी एक होल का एंड को एनलार्ज करके उसमें सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान देता है, तो ये ऑपरेशन को कौन सा ऑपरेशन कहते हैं, तो कोई भी एक होल है, सोचो जॉब का अंदर कोई भी एक होल है, तो इसका अंदर हम लोग थोड़ा सा एक एनलार्ज कर दे, उसमें क्या होता है, उसमें कैप स्क्रू या सॉकेट हेड स्क्रू बैठ जाता है, ओके। तो ये कौन सा ऑपरेशन होता है, रिमिंग, काउंटर सिंकिंग, स्पॉट फेसिंग या काउंटर बोरिंग, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, काउंटर बोरिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वर्नियर हाइट गेज इज यूज्ड फॉर मार्किंग। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग डैश की चिन्हित करने के लिए किया जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्नियर हाइट गेज का मदद से कौन सा चीज़ को हम लोग मार्किंग कर सकते हैं, इंटरनल डायमेंशन को, एक्सटर्नल डायमेंशन को, पिच डायमेंशन को या मशीन डायमेंशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल, जो भी बाहरी डायमेंशन होता है उसको हम लोग मार्किंग कर सकते हैं वर्नियर हाइट गेज की मदद से, जिसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 मिलीमीटर। इसका जो बेस होता है, बेस बनता है एल्यूमिनियम एलॉय से,
ओके, और इसका हाइट लिया जाता है जो इसका बीम होता है, बीम का लेंथ से लिया जाता है, ओके लेंथ ऑफ द बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाइल ड्रिलिंग द ड्रिल गेट्स ओवरहीटेड, दिस इज ड्यू टू, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल अधिक गर्म हो जाती है, ए डैश के कारण होता है। तो ड्रिलिंग करते टाइम ड्रिल अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसका पीछे कोई कारण रहता है। ऑप्शन नंबर ए, मोर लिप क्लियरेंस एंगल, लिप क्लियरेंस एंगल अगर 8-12 degrees से ज़्यादा दे देंगे तब। ऑप्शन नंबर बी, लेस कटिंग एंगल, जो पॉइंट एंगल होता है उसका पॉइंट एंगल अगर कम दे देते तो उसका अंदर जो मेटल होता है मेटल का अंदर तो घुस नहीं पाएगा ना, क्योंकि पॉइंट एंगल एक प्रॉपर होना चाहिए तभी वो अच्छा से उसको स्टार्टिंग कर सकते ड्रिलिंग को, ठीक है। तो इसके लिए हो सकता है कटिंग एंगल अगर कम हो जाएगा इसीलिए। ऑप्शन नंबर सी, मेटेरियल बींग ड्रिल इज डक्टाइल, जो मेटेरियल को हम लोग ड्रिलिंग करने जा रहे हैं वो सॉफ्ट और डक्टाइल है इसीलिए। ऑप्शन नंबर डी, एक्सेसिव कटिंग प्रेशर, कटिंग प्रेशर अगर हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा देते तब ड्रिल गर्म हो जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अगर ड्रिल करते टाइम हम लोग अगर ज़्यादा कटिंग प्रेशर देते तब क्या हो जाएगा, ड्रिल ऑटोमेटिकली ओवरहीट होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी अगर हम लोगों के ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर आता क्या होगा, क्या होता है हम लोगों के ऊपर भी प्रेशर आता है तो हम लोगों का भी सब कुछ गर्म हो जाता है, हम लोगों का भी दिमाग गर्म हो जाता है। वैसे ड्रिल का भी होता है कि अगर ज़्यादा हम लोग कटिंग प्रेशर उसमें दे देते हैं तो ड्रिल भी गर्म हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द सर्फेस ऑफ द होल ड्रिल इज रफ, इट इज़ ड्यू टू, ड्रिल की गई छेद के सतह बहुत ही रफ होता है, ए डैश के कारण होता है। तो देखो आज का क्लास में सब नया नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पूरा क्लास आप लोग देखिए। अगर आप लोग सही में एडवांस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बाकी जो पिछला अभी तक मैं 16 क्लास में प्रोवाइड किया हूँ सभी क्लास आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं डीए का कोई भी सेक्टर में, आईजी कार्ड चाहे आप लोग वीईसीसी एनपीसीएल बीएआरसी मैसूर जो भी एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, क्योंकि ये सब वो क्वेश्चन है जो आप लोग का कट ऑफ बनाता है, ओके। तो 23 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी एक वर्कपीस का अंदर अगर होल है, होल हम लोग बनाया है तो ड्रिल करके होल बनाने के बाद अगर होल बहुत ज़्यादा रफ होता है तो इसका पीछे कारण क्या होता है, ओन आउट स्पिंडल बियरिंग, स्पिंडल बियरिंग अगर ख़राब हो जाता है इसीलिए। ऑप्शन नंबर बी, ड्रिल इज़ नॉट हेल्ड रिजिडली, ड्रिल अगर अच्छा से हम लोग उसको पकड़ नहीं सकते मशीन स्पिंडल में तब हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, ब्लंट कटिंग एज, कटिंग एज अगर ब्लंट हो जाता मतलब वो अगर ज़्यादा शार्प नहीं रहेगा तब हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी, अनइक्वल लिप लेंथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कटिंग एज ऑलवेज शार्प होना चाहिए तभी तो वो कटेगा ना, कटेगा जो वो अगर शार्प नहीं होगा, वो अगर टोटली डल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अच्छा से कट नहीं पड़ेगा, इसीलिए जो होल बनाएगा होल तो बनाएगा लेकिन होल का सर्फेस बहुत ज़्यादा रफ हो जाएगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ब्लंट कटिंग एज मतलब वो कटिंग एज शार्प नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड हैज़ गॉट द हाइस्ट डेप्थ, इनमें से कौन सा थ्रेड का सबसे ज़्यादा डेप्थ मिलता है, तो डेप्थ सबसे ज़्यादा किसको होता है। तो अगर आप लोग कोई भी जगह में देखते हैं आंसर की मैं आपको सी ऑप्शन आंसर मिल जाता है, वर्म थ्रेड होता है, लेकिन इसका एक्चुअल राइट आंसर होता है बट्रेस थ्रेड, ठीक है, क्योंकि बट्रेस थ्रेड का जो डेप्थ होता है 0.75 into pitch होता है, लेकिन जो वर्म थ्रेड का होता है 0.6866 into pitch होता है, लेकिन एग्जाम में आप लोग का 0.6866 into pitch ही राइट आंसर मानता है, मतलब वर्म थ्रेड को मानता है, लेकिन एक्चुअल अगर आप लोग देखते हो प्रैक्टिकली तो 0.75 into pitch बट्रेस थ्रेड का ज़्यादा होता है। अगर स्क्वायर थ्रेड का पूछता तो 0.5 into pitch हो जाएगा, ओके। अगर ऐसे आप लोग को पूछा जाए तो एक्मी थ्रेड का तब क्या हो जाएगा, 0.5 into pitch प्लस 0.25 हो जाएगा मिलीमीटर, ओके, ऐसे आप लोग का हो जाएगा, या बोल सकते 0.5 into pitch मतलब क्या, तो पीच बटा 2 प्लस 0.25 millimeter, ऐसे भी कभी कभी दिया रहता है। तो एक क्वेश्चन आप लोग को क्लियर करना है, वर्म थ्रेड आप लोग करके आना, क्योंकि कोई भी जगह में बट्रेस थ्रेड को राइट आंसर नहीं देता, हम बहुत सारा जगह में देख लिए, वीईसीसी का जो वीएससीसी जो विक्रम सराभाई स्पेस सेंटर में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी सभी स्टूडेंट ने कंप्लेंट डाला था, शायद इस क्वेश्चन को भी कैंसिल कर दिया, लेकिन इसमें उसका सबका डाउट होता है। तो मेरा हिसाब से लगता है कि अगर आप लोग को नंबर लेना है तो ये तो वीएससीसी आप लोग को ऑप्शन दिया था ऑब्जेक्शन करने के लिए, तो ऑब्जेक्शन आप लोग किए थे, लेकिन कुछ कुछ जगह जो है आप लोग को आंसर की भी नहीं दिखाते, तो वो सब जगह के लिए आप लोग वर्म थ्योरी करके आना, राइट आंसर वर्म थ्योरी आप लोग को देने वाला है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द डैमेज एक्सटर्नल थ्रेड आर रेक्टिफाइड बाय, क्षतिग्रस्त बाहरी धागे को डैश द्वारा ठीक किया जा सकता है, कोई भी एक
एक्सटर्नल थ्रेड अगर डैमेज हो जाता है तो उसको फिर से थ्रेड को मतलब उसका जो क्रेस्ट होता है, रूट होता है, ठीक ठाक उसको मरम्मत करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डायनाट या हाफ डाई या सर्कुलर डाई या एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायनाट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक हेक्सागन नाट का जैसा होता है, इसका काम क्या होता है, चेजिंग और रिकॉन्डिशनिंग द डैमेज थ्रेड, डैमेज थ्रेड को चेजिंग और रिकॉन्डिशनिंग मतलब फिर से उसको सुधार देते हैं। ओके, और ये डायनाट का मदद से हम लोग कभी भी नया थ्रेड कटते नहीं है, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आता है जैसे डाई, जो डाई आप लोग को मैं बताया, तीन डाई बताया हूँ, इसको घुमाने के लिए डाई स्टॉक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डायनाट को घुमाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द एंगल ऑफ बी एस डब्ल्यू वी फॉर्म थ्रेड इज, बी एस डब्ल्यू वी फॉर्म थ्रेड का एंगल कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 47.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी एस डब्ल्यू मतलब आप लोग को ब्रिटिश में पूछा है, बी एस डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ थ्रेड, ठीक है। तो अगर आप लोग को मेट्रिक में पूछता 60 डिग्री हो जाता है, अगर आप लोग का पूछे जाता है बी ए थ्रेड का 47.5 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर टैप ड्रिल साइज टू फॉर्म 100% थ्रेड, 100% थ्रेड बनाने के लिए टैप ड्रिल साइज का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए मेजर डायमीटर माइनस टीपीआई इंटू पिच, ऑप्शन नंबर बी मेजर डायमीटर माइनस टीपीआई इंटू पिच, ऑप्शन नंबर सी मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड, ऑप्शन नंबर डी मेजर डायमीटर माइनस 1.5 इंटू पिच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100% अगर थ्रेड को फॉर्म करना है तो हम लोग को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। ओके, अगर मेट्रिक में पूछता तो डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.6134 इंटू पिच हो जाता है। ओके, और अगर आप लोग को ऐसे 80% थ्रेड का पूछता है, या आप लोग को नॉर्मली आप 100% नहीं बोलता, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आप लोग थंब रूल जो आप लोग को पूछे जाते हैं तो आप लोग डायरेक्टली मेजर डायमीटर माइनस पिच भी आप लोग कर सकते हैं, इसमें भी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, तो मेजर डायमीटर से पिच को माइनस करके भी आप लोग टैप ड्रिल का साइज निकाल सकते हैं, इसमें कोई आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन 100% बोलेगा तो तब आप लोग को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच फॉर्म ऑफ थ्रेड्स आर यूज इन द प्लेसेस व्हेयर द स्लाइडिंग फोर्सेस एक्ट इन वन डायरेक्शन, जहाँ एक दिशा में फिसलाने वाले बल होते हैं, वह किस प्रकार के धागे का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए वी थ्रेड, ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन नंबर सी ट्रेपेज़ोइडल थ्रेड, ऑप्शन नंबर डी सॉटूथ थ्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे एक दिशा में फिसलाने वाला बल होता है या स्लाइडिंग फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में काम करता है जो थ्रेड में, तो वो कौन सा थ्रेड में होता है, वो होता है सॉटूथ थ्रेड में, इसका एंगल होता है 3 और 30 डिग्री। ओके, एक एंगल 3 डिग्री और एक एंगल होता है 30 डिग्री। कभी कभी ऑप्शन में सॉटूथ थ्रेड का जगह बटरेस थ्रेड भी दिया रहता है, तब बटरेस थ्रेड राइट आंसर हो जाएगा, अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तब ओनली सॉटूथ थ्रेड राइट आंसर होगा। बटरेस थ्रेड का एंगल क्या होता है, एक एंगल तो वर्टिकल होता है और मतलब 90 डिग्री होता है, और एक एंगल 45 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, Which one of the following thread is used for transmitting motion? निम्नलिखित में से किस धागे का उपयोग गोती संचरित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राउंड थ्रेड, ऑप्शन नंबर बी ट्रेपेज़ोइडल थ्रेड, ऑप्शन नंबर सी आइसोमेट्रिक थ्रेड, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रेपेज़ोइडल थ्रेड। ट्रेपेज़ोइडल थ्रेड होता है एक मॉडिफाइड स्क्वायर थ्रेड। ओके, इसका एंगल होता है 30 डिग्री, फ्लैंक के बीच में जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। इसका आप हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, जब भी हम लोग पावर ट्रांसमिशन करते हैं तो उसको इजी एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रेपेज़ोइडल थ्रेड। जैसे अगर हम लोग लेद मशीन का लीड स्क्रू का बात करते हैं तो पावर ट्रांसमिशन करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग थ्रेड कटिंग का टाइम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसका अंदर कौन सा थ्रेड आता है, जैसे एक्मी थ्रेड आता है, सॉटूथ थ्रेड आता है, इसका बाद आप लोग का आता है बट्रेस थ्रेड आता है, ये सभी आता है ट्रेपेज़ोइडल थ्रेड के अंदर। ओके, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाता है, कभी कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाता है, कौन सा थ्रेड को मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्क्वायर थ्रेड बोलते हैं, स्क्वायर थ्रेड कैसे होते हैं, ऐसे होता है, तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्क्वायर थ्रेड किसको कहते हैं, एक्चुअल इसका राइट आंसर हो जाता है नकल थ्रेड। ठीक है, ऐसा अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नकल थ्रेड हो जाएगा, और ट्रेपेज़ोइडल थ्रेड भी होता है, लेकिन इसको कभी कभी भी बोलते हैं, कभी कभी भी ऐसे ऑल्सो बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाता है कौन सा
थ्रेड को मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्क्वाथ थ्रेड कहते हैं, तो नाकिल थ्रेड राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में अगर नाकिल थ्रेड नहीं रहेगा, ट्रेपेज़ॉइडल थ्रेड ओनली है, तो ट्रेपेज़ॉइडल थ्रेड तब राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन में अगर रहेगा तो नाकिल थ्रेड इज द प्रॉपर आंसर। जिसका एंगल होता है 30 डिग्री, जो हम लोग रेलवे का वागन कपलिंग होता है, रेलवे वागन कपलिंग में हम लोग नाकिल थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाई सरफेस प्लेट इज यूज फॉर मार्किंग। सरफेस प्लेट का उपयोग डैश का चिन्हित करने के लिए किया जाता है, तो मार्किंग करते टाइम सरफेस प्लेट का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? ऑप्शन नंबर है बिकॉज इट्स सरफेस इज टू बिग, इसका सरफेस बहुत बड़ा होता है इसलिए। ऑप्शन नंबर बी इट कैन विथस्टैंड हैवी वेट ऑफ द जॉब, जॉब का हैवी वेट को ये सहन सकता है। ऑप्शन नंबर सी मार्किंग टूल कैन बी प्लेस्ड ओवर इट, मार्किंग टूल को हम लोग इजीली इसका ऊपर प्लेस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिकॉज इट प्रोवाइड्स ए डाटुम सरफेस और बेस, ये डाटुम सरफेस या आप जिसको बोलते हैं रेफरेंस सरफेस या बेस प्रोवाइड करते हैं इसलिए। तो जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मार्किंग करते टाइम एक बेस या आप बोल सकते हैं डाटुम सरफेस का जरूरत पड़ता है, तो डाटुम सरफेस के हिसाब से हम लोग मार्किंग प्लेट का इस्तेमाल करते हैं या आप बोल सकते हैं सरफेस प्लेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन में आप लोग को यही पूछा है मार्किंग करते टाइम हम लोग आप सरफेस प्लेट का क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो रेफरेंस सरफेस के हिसाब से या डाटुम सरफेस के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं सरफेस प्लेट को। ओके, सरफेस प्लेट जनरली कास्ट आयरन से बनता है और ग्रेनाइट से भी कास्ट आयरन बनता है। ओके, अगर कास्ट आयरन का ग्रेड पूछे जाए तो टोटल तीन ग्रेड होते हैं, 1, 2 और 3। 1 होता है टूल रूम पर्पस के लिए। अगर इसका स्पेसिफिकेशन का बात करते हैं तो लेंथ होता है, उसके बाद ब्रेथ होता है और ग्रेड होता है और इंडियन स्टैंडर्ड होता है। लेंथ, ब्रेथ, ग्रेड और इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग इसको स्पेसिफिकेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज्ड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट इज टू शॉर्ट, जब दोनों शाफ्ट का बीच में डिस्टेंस बहुत ही शॉर्ट है तब हम लोग कौन सा बेल्ट इस्तेमाल करते हैं? तो दोनों जहाँ पे शाफ्ट रहेगा, दोनों पुली रहेगा, तो इन दोनों पुली के बीच में डिस्टेंस अगर 1 मीटर से भी कम होता है तो उस पर्पज़ के लिए हम लोग कौन सा बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए वी बेल्ट, ऑप्शन नंबर बी रिब बेल्ट, ऑप्शन नंबर सी फ्लैट बेल्ट, ऑप्शन नंबर डी लिंक बेल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी बेल्ट। जब भी दोनों शाफ्ट का बीच में डिस्टेंस 1 मीटर से कम होता है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस होता है, तब हम लोग वी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। वी बेल्ट में क्या होता है, इट कॉम्पैक्ट होता है, इसमें स्लिप कम होता है। ओके, और इसको हम लोग इजीली रिप्लेस और मेंटेनेंस भी कर सकते हैं और वाइब्रेशन नॉइज़ भी बहुत कम होता है। ओके, तो ये आप लोग को जानना चाहिए। और इंस्टॉलेशन इन लिमिटेड स्पेस, मतलब कोई भी छोटा जगह है, कोई भी अगर संकीर्ण जगह है या रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है, उधर भी हम लोग इसको वी बेल्ट को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और वी बेल्ट का एंगल होता है 40 डिग्री, इसका क्रॉस सेक्शन होता है ट्रेपेज़ॉइडल क्रॉस सेक्शन। और ये किस मटेरियल से बनता है? कॉर्ड और फैब्रिक से बनता है, कॉर्ड CORD कॉर्ड एंड फैब्रिक FABRIC फैब्रिक से बनता है। और इसका ऊपर किसका ट्रीटमेंट होता है? रबर का ट्रीटेड रहता है, उसके बाद हम लोग मोल्डिंग करके उसको हम लोग बनाते हैं वी बेल्ट। ओके, तो वी बेल्ट एक्चुअली बनता है कॉर्ड, फैब्रिक और रबर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्किंग मीडिया इज यूज्ड फॉर फाइल्ड और मशीन फिनिश्ड सरफेसेस, निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग मीडिया फाइल या मशीन तैयार सतह के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फाइलिंग किया हुआ सतह के लिए या मशीनिंग किया हुआ सतह के लिए हम लोग कौन सा मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? तो इनमें से 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रूसियन ब्लू ऑयल पेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बाकी जो आप लोग को देखने को मिल रहे इन तीनों आता है व्हाइट वॉश का अंदर। ठीक है, तो व्हाइट वॉश हम लोग जनरली कौन सा जॉब के लिए इस्तेमाल करते हैं? जब भी राफ फोर्जिंग या कास्टिंग ऑक्सीडाइज सरफेस होता है वो सब जॉब के लिए हम लोग व्हाइट वॉश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप लोग को पूछा जाता है व्हिच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू राफ और फोर्जिंग सरफेसेस या कास्टिंग सरफेसेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हाइट वॉश। ओके, और प्रूसियन ब्लू क्या होता है? इसको हम लोग फाइल्ड और मशीनिंग किया हुआ सतह का यूज़ करते हैं, लेकिन इसको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें बहुत ही क्लियर लाइन देते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन सा मार्किंग मीडिया इस्तेमाल करने से बहुत ही क्लियर लाइन हम लोग को दिखा देते हैं, तो ये होता है प्रूसियन ब्लू। और भी आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, तो कॉपर सल्फेट होता है। लेकिन आप लोग को ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया फिनिश सरफेस का ऊपर यूज़ करने के बाद बहुत ही अच्छा तरह से स्टिक हो जाता है, मतलब चिपक जाता है, तो ये कॉपर सल्फेट होता है। ओके, और एक आप लोग का क्वेश्चन आता है
कौन सा मार्किंग मीडिया अब बहुत ही सस्ता होता है और अलग अलग कलर में मिलता है और इसको हम लोग जल्दी और ये बहुत जल्दी जल्दी सूख जाता है, तो ये हो जाएगा सेलुलोज लेकर। सेलुलोज लेकर अलग अलग कलर में ये अवेलेबल होता है, जल्दी सूख भी जाता है और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। ओके, तो मार्किंग मीडिया से इतना आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इतना याद रखना। बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कॉमन थ्रेडेड फास्टनर। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य थ्रेडेड फास्टनर का प्रकार नहीं होता है, स्क्रू, बोल्ट, नेल या नाट। तो नाट, बोल्ट, स्क्रू का अंदर क्या होता है, थ्रेडेड होता है, तो थ्रेडेड फास्टनर होता है। लेकिन नेल जो होता है, नेल क्या होता है, इसमें कोई भी थ्रेडेड नहीं रहता है। ओके, तो ये कॉमन थ्रेडेड फास्टनर का अंदर नहीं आता है। ओके, अगर इधर ऑप्शन में रिवेट दिया रहता तो रिवेट भी नहीं होता। ओके, रिवेट होता है, एक परमानेंट फास्टनर का अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, Which one of the following is fitted on the top of the compound rest of a lathe? लेद मशीन का कॉम्पाउंड रेस्ट का ऊपर कौन सा पोर्शन फिट होता है? ऑप्शन नंबर ए चक, ऑप्शन नंबर बी क्रॉस स्लाइड, ऑप्शन नंबर सी सैडल, ऑप्शन नंबर डी टॉप स्लाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉप स्लाइड, ऑप्शन नंबर डी। जो कॉम्पाउंड रेस्ट होता है, कॉम्पाउंड रेस्ट किसका ऊपर रहता है, क्रॉस स्लाइड का ऊपर रहता है। ओके, तो क्रॉस स्लाइड का ऊपर रहता है कॉम्पाउंड रेस्ट, कॉम्पाउंड रेस्ट का ऊपर क्या रहता है, टॉप स्लाइड रहता है। और टॉप स्लाइड में क्या होता है, टॉप स्लाइड टूल पोस्ट को सपोर्ट करता है और टूल पोस्ट क्या करता है, कटिंग टूल को होल्ड करता है। समझ में आ गया, बहुत ही इजी फंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ग्लोब बल्ब इन ए पाइपलाइन। पाइपलाइन में ग्लोब बल्ब का पर्पस क्या होता है, एक्चुअल जो मेन पर्पस क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इट अवॉइड्स वैक्यूम बीइंग फॉर्म, जो वैक्यूम फॉर्म होता है उसको अवॉइड करता है। ऑप्शन नंबर बी इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द ज्वाइंट, ज्वाइंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर सी इट कंट्रोल्स वाटर फ्लो, वाटर फ्लो को ये कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर डी इट अवॉइड्स वाटर फ्रॉम गेटिंग हीटेड, पानी को गर्म होने से बचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इट कंट्रोल्स वाटर फ्लो। ग्लोब बल्ब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। ओके, और अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेट वाल्व का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, तो जब वाटर प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, जब वाटर प्रेशर एक स्थिर होता है, तो एक कांस्टेंट जब भी वाटर प्रेशर आप लोग को होने वाला है, तब हम लोग गेट वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द क्रॉस सेक्शनल साइज ऑफ ए स्लिप गेज। स्लिप गेज का क्रॉस सेक्शनल आकार कैसा होता है, तो इसमें आपको चार आकार दिया गया है, 42 मिलीमीटर इंटू 9 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 22 मिलीमीटर इंटू 9 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 3.52 मिलीमीटर इंटू 9 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 32 मिलीमीटर इंटू 9 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32 मिलीमीटर इंटू 9 मिलीमीटर। 32 मिलीमीटर कैसे होता है, लंबाई में होता है और इसका लेंथ होता है 32 मिलीमीटर और इसका जो ब्रेथ होता है, 9 मिलीमीटर, ये होता है 9 मिलीमीटर। ओके, तो ये होता है स्लिप गेज का क्रॉस सेक्शनल साइज। आप देख सकते हैं नया नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, पूरा सीरीज आप लोग देखने का कोशिश कीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसको जॉनसन गेज कहते हैं और ये हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई भी एंगल को मेजरमेंट करना है, प्रिसीजन टेपर एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग साइन बार का साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ये हाई ग्रेड स्टील से बनता है जिसमें लो थर्मल एक्सपेंशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आप देख सकते हैं, Which one of the following instrument is not used to measure angle? कौन मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्टर हेड, तो प्रोटेक्टर हेड का मदद से तो हम लोग एंगल को मेजर कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं एक से 180 डिग्री का बीच में जितना भी एंगल होता है उसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल फ्लैट, ऑप्शन नंबर सी बीवेल प्रोटेक्टर का मदद से भी हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, क्लिनोमीटर का भी मदद से हम लोग एंगल को मेजर कर सकते हैं, लेकिन ऑप्टिकल फ्लैट का मदद से हम लोग कोण को मेजर नहीं करते हैं, जस्ट हम लोग फ्लैट को चेक करते हैं। ओके, फ्लैट को कंपेयर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फ्लैट। ऑप्टिकल फ्लैट का मदद से हम एंगल को मेजरमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, Which one of the following is not a type of comparator? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का कंपैरेटर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोलिक, ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल, ऑप्शन नंबर सी न्यूमेटिक, ऑप्शन नंबर डी मैनुअल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनुअल। ठीक है, तो कंपैरेटर क्या होता है, जस्ट कंपेयर करता है। एक स्टैंडर्ड आप लोग को वैल्यू दिया रहता है, स्टैंडर्ड साइज आप लोग को दिया रहता है और जो हम लोग वर्कपीस बना रहे हैं, ठीक है, तो वर्कपीस का साथ जो स्टैंडर्ड होता है, तो स्टैंडर्ड का साथ वर्कपीस का जो डिफरेंस होता है, तो वो मेजरमेंट का डिफरेंस को कंपेयर करते हैं कि कितना कंपेयर हो रहा है मेन वैल्यू का साथ, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसका साथ कितना कंपेरिजन हो रहा है उसको मेजरमेंट करता है। ओके,
तो कंपैरेटर का काम क्या होता है, मतलब कंपेयर करना, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है उसका साथ जो वर्कपीस हम लोग बनाए उसको कंपेयर करते हैं। ओके, तो इसका प्रिंसिपल के हिसाब से टोटल 4 टाइप के कंपैरेटर होता है। एक होता है मैकेनिकल, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा होता है न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक, और चौथा होता है ऑप्टिकल। ठीक है, लेकिन मैनुअल नहीं होता है। मैकेनिकल कंपैरेटर के अंदर क्या क्या आता है, जैसे माइक्रोकेटर, इसका बाद सिग्मा कंपैरेटर, रेड कंपैरेटर। ठीक है, तो ऐसे आप अगर आप लोग को एग्जांपल पूछा जाता है माइक्रोकेटर कौन सा कंपैरेटर का अंदर आता है, या सिग्मा कंपैरेटर कौन सा कंपैरेटर का अंदर आता है, मैकेनिकल कंपैरेटर का अंदर आता है। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, सबसे फैमिलियर, या मतलब सबसे ह्यूज परिमाण में हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा कंपैरेटर को, मैकेनिकल कंपैरेटर हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, अगर आप लोग को ऐसे भी पूछे जाता है कि मास प्रोडक्शन के लिए हम लोग कौन सा कंपैरेटर यूज़ करते हैं, न्यूमेटिक कंपैरेटर या हाइड्रोलिक कंपैरेटर होता है। ओके, ऐसे अगर आप लोग को पूछे जाता है कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक जो कंपैरेटर होता है, तो उसमें आपको क्या पूछा जाएगा कि उसमें कोई भी कंटिन्यूअसली एनालॉग आउटपुट देता है, तो जब भी आप लोग को देख के पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिकल नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर का बात कर रहा है। ठीक है, कोई भी आउटपुट इनपुट या एनालॉग या पावर एम्पलीफायर का बात करेगा तो ये आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लीफायर का कॉम्पेरेटर का ये बात करता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को थोड़ा सा तो अंदाजा लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही ईजी आप लोग का होता है। अगर ऐसे आप लोग को बोल देता है कि कौन सा कॉम्पेरेटर का प्रिंसिपल होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तब क्या हो जाएगा, तब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कंपैरेटर। तो ऑप्टिकल कंपैरेटर जो होता है इसका प्रिंसिपल होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। ठीक है, तो इतना ही आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाते, इतना करके जाएंगे और इतना ध्यान से सुने आप, और अगर टोटली आप लोग नोट करते हैं तो आप लोग को इधर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू कनेक्ट टू सॉफ्ट टुगेदर इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट पावर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दो सॉफ्ट को एक साथ जोड़ने के लिए, शक्ति संचरित करने के लिए नहीं किया जाता है, मतलब पावर को ट्रांसमिट करने के लिए दो सॉफ्ट को जोड़ने के लिए हम लोग कौन सा आप चीज़ का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, कपलिंग या बोल्ट या बॉल बियरिंग या कीज़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कपलिंग का मतलब हम लोग क्या जोड़ते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, बोल्ट का मतलब से हम लोग जोड़ते हैं, कीज़ का मदद से हम लोग दोनों सॉफ्ट को जोड़ सकते हैं, लेकिन बॉल बियरिंग के मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं सॉफ्ट को हम लोग एक ही पोजीशन से होल्ड कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, सॉफ्ट को फ्रीली मूव होने के लिए हम लोग उसको क्या मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है बॉल बियरिंग का काम, लेकिन वो दोनों सॉफ्ट को जोड़ता नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पास इज यूज टू स्क्राइब ए सर्कल और एन आर्क विथ ए लार्ज डायमीटर, कौन सा कॉम्पास का इस्तेमाल करके हम लोग बड़ा डायमीटर का सर्कल नहीं तो आर्क हम लोग बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ट्रेमेल कॉम्पास, ऑप्शन नंबर बी विंग कॉम्पास, ऑप्शन नंबर सी ऑर्डिनरी कॉम्पास, ऑप्शन नंबर डी स्प्रिंग कॉम्पास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेमेल कॉम्पास। तो ट्रेमेल का मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग डिवाइडर करते हैं तो उसमें छोटा सर्कल हम लोग बना सकते हैं, छोटा सर्कल छोटा आर्क, लेकिन ट्रेमेल कॉम्पास का मदद से हम लोग बिग सर्कल बिग आर्क को हम लोग बना सकते हैं, जिसको बीम कॉम्पास भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्परेचर एट व्हिच लुब्रिकेंट विल स्टार्ट टू फ्लो व्हेन पोर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान है जिस पर लुब्रिकेंट डालने पर बहने लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर बी पोर पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी ऑयलीनेस, ऑप्शन नंबर डी फ्लैश पॉइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें बोला है एट विच लुब्रिकेट विल स्टार्ट टू फ्लो व्हेन पोर, मतलब डलने पर वो बहने लगता है। ठीक है, तो डल हम लोग कब सकते हैं, जब पोर पॉइंट में आ जाएगा तब हो जाएगा। ओके, तो विस्कोसिटी का बात आप लोग को जानना चाहिए, कोई भी लुब्रिकेंट का जो मेन प्रॉपर्टी होता है वो होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, कोई भी एक ऑयल का फ्लुइडिटी होता है वो कितना फ्लो करेगा। ओके, तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है लुब्रिकेंट का विस्कोसिटी कम होता है, अगर टेम्परेचर कम होता है तो विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, विस्कोसिटी इज़ द फ्लुइडिटी ऑफ एन ऑयल, जिसका मदद से वो क्या कर सकता है, हाई प्रेशर और लोड को ले सकते हैं कोई भी बियरिंग सरफेस में बिना हट के, मतलब उधर से अगर हम लोग उसको विस्कोसिटी वाला, जैसे अगर कोई भी ग्रीस का बात करते हैं सोचो, तो जहाँ पे हाई प्रेशर या कोई भी लोड आता है उसमें अगर हम लोग ग्रीस लगा देते तो ग्रीस क्या होता है उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, उधर से हटता नहीं है,
उधर एक बियरिंग सरफेस में रह के वो हाई प्रेशर और लोड को ले सकते हैं। ओके, ए होता है विस्कोसिटी। ऑयलीनेस प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑयलीनेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेटेबिलिटी, सरफेस टेंशन और स्लिपरनेस। तो आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है तीनों का कॉम्बिनेशन में इसको क्या कहते हैं, वेटेबिलिटी, सरफेस टेंशन और स्लिपरनेस, इन तीनों कॉम्बिनेशन को कहते हैं ऑयलीनेस। ठीक है, तो एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें कोई भी मेटल को फिर ऑयली स्किन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग को ऐसे पूछा जाता है, कौन सा एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है लुब्रिकेंट का कि कोई भी मेटल को फिर यूज़ करने के बाद वो ऑयली स्किन बना देते हैं? तो वो होता है ऑयलीनेस। ठीक है, और होता है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट में क्या होता है, वो आग लगने से पहले क्या होता है, वो उधर से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। जिस तापमान पर धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है उसको फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉकिंग नट इज ए स्लॉट कट हाफ वे अक्रॉस द नट। निम्नलिखित में से कौन सा लॉकिंग नट में हाफ वे में स्लॉट हम लोग करते हैं? तो ऐसे अगर नट होता है तो इसका हाफ वे में हम लोग बीच बीच में स्लॉट कर देते। तो कौन सा नट में होता है? ए ऑप्शन नंबर स्वान नट, ऑप्शन नंबर बी स्लॉटेड नट, ऑप्शन नंबर सी कैसल नट, ऑप्शन नंबर डी ग्रूव नट। तो इसका राइट आंसर आप लोग स्लॉटेड नट नहीं तो कैसल नट दे सकते, लेकिन ए नहीं होता। इसमें आपको बोला स्लॉट कट ऑन द हाफ वे अक्रॉस द नट, अक्रॉस बोला है, ऐसे बीच बीच में आप लोग का होता है। ओके, तो अक्रॉस द नट जब भी बोलेगा, और नॉर्मली कैसल नट में क्या होता है, ऐसे ऐसे आप लोग का स्लॉट कटा रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अक्रॉस द नट मिड वे में हम लोग क्या करते हैं, एक स्लॉट कट देते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्वान नट में। और इसका बाद क्या होता है, ये स्लॉट कटा हुआ रहता है, ऊपर से एक जगह रहता है जहाँ से हम लोग स्क्रू को डालते हैं। स्क्रू को डाल के इसका ऊपर पार्ट और नीचे पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा से टाइट कर सकते हैं। उसके बाद उसको हम लोग लॉकिंग कर सकते हैं। ओके, तो स्वान नट इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर ऐसे अगर बात करेंगे कौन सा नट में स्क्रू, कौन सा नट को लॉक करने के लिए हम लोग स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं, तो स्वान नट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग ए होल साइज एंड इनहेंसिंग इट्स सरफेस फिनिश इज नोन एज। एक होल के आकार को विश्लेषण करने और इसका सतह को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ड्रिलिंग, ऑप्शन नंबर बी काउंटर सिंकिंग, ऑप्शन नंबर सी बोरिंग, ऑप्शन नंबर डी रिमिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, इसका सरफेस फिनिश को बढ़ाते हैं और इसका होल का साइज को बढ़ा करते एनलार्ज ओनली करते, किस में करते हम लोग, बोरिंग में करते, लेकिन रिमिंग में क्या करते, थोड़ा सा हम लोग साइज को बड़ा करते, एनलार्ज मतलब बहुत ही बड़ा आकार में हम लोग बनाते हैं, तो वो बोरिंग में होता है। ओके, एक्चुअली हम लोग करते क्या, कोई भी होल अगर सोचो बड़ा डायमीटर का होल बनाना है, 20 mm क्या 40 mm को होल बनाना है, तो उतना बड़ा ड्रिल का चलाना उतना अच्छा नहीं आएगा और सरफेस फिनिश भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा ड्रिल हम लोग चला लेते हैं, तो ड्रिल होल का साइज को हम लोग बड़ा करने के लिए और एग्जैक्ट साइज 40 mm में बनाने के लिए हम लोग तब बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। ओके, तो बोरिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। जिग्स आर अवेलेबल फॉर, जिग का पर्पस क्या होता है आप लोग जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए टर्निंग, ऑप्शन नंबर बी मिलिंग, ऑप्शन नंबर सी ग्राइंडिंग, ऑप्शन नंबर ड्रिलिंग एंड बोरिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रिलिंग और बोरिंग में जिग अवेलेबल होता है। जिग क्या होता है, फिक्सर क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट आप लोग जानते हैं और ये बहुत बार मैंने आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कशन कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। द नंबर ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस इन द इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम आर, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम या BIS में कितना फंडामेंटल टॉलरेंस होता है? 16, 18, 15, 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, अगर ऐसे अगर बात करता कि फंडामेंटल डिविएशन का, तब हो जाता 25। ओके, अगर BSI मतलब BT सिस्टम का बात करते तब फंडामेंटल डिविएशन होता है 21 और फंडामेंटल टॉलरेंस तब होता 16। ओके, समझ में आ गया, ऐसे आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लैपिंग एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हाई क्वालिटी फिनिश। हाई क्वालिटी फिनिश पाने के लिए कौन सा लैपिंग एब्रेसिव का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इमेरिक क्लॉथ, ऑप्शन नंबर सी कोर्स ग्रेन एब्रेसिव, ऑप्शन नंबर डी डायमंड। तो एक्चुअली लैपिंग करते टाइम हम लोग डायमंड सिलिकॉन कार्बाइड, इसके बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, तो इन चारों में से ऑप्शन में जो आप लोग को दिया है, इन चार ऑप्शन में से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम लोग यूज़ करते हैं हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश को लैपिंग के बाद लैपिंग करके पाने के लिए। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड टू टाइप के होते हैं, एक फ्यूज्ड एल्यूमिनियम होता है और एक अनफ्यूज्ड एल्यूमिनियम होता है। तो कौन सा एल्यूमिनियम यूज होता है? तो अनफ्यूज्ड एल्यूमिनियम हम लोग यूज़ करते हैं हाई क्वालिटी फिनिश पाने के लिए, और जो फ्यूज्ड एल्यूमिनियम होता है वो सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल का लैपिंग करने के लिए यूज़ होता है। ओके, और डायमंड हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब टंगस्टन कार्बाइड का लैपिंग करना पड़ता है तब डायमंड इस्तेमाल करते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। अब देख सकते हैं, फाइंड द टैप ड्रिल साइज इफ मेजर डायमीटर 10 मिलीमीटर एंड इट्स पिच 1.5 मिलीमीटर। तो ऐसे आप लोगों को टैप ड्रिल साइज कैसे निकालना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को अभी बता के आया हूँ, तो उसमें 100% बताया था, तो 100% लगा के आप लोग अगर ट्राई करते हैं तो इसका आप लोग को राइट आंसर नहीं आता है। तो मैं आप लोग को वो भी बताया था, मेजर डाय माइनस अगर डायरेक्टली पिच कर देते तब आप लोग को राइट आंसर देखिए 8.5 आ जाएगा। तो जो एग्जैक्ट राइट आंसर आएगा तो वही आपको देखना पड़ेगा। तो दोनों मेथड आपको 100% भी चेक करके देखना पड़ेगा और ऐसे आपको मेजर डाय का साथ मेजर डाय से पिच का माइनस करके भी देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन में दिया है, उसके हिसाब से आपको राइट आंसर करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 आप देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड का कारण बनती है या कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग GMAW। ओके, तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग GMAW, GTAW क्या होता है, टी वेल्डिंग क्या होता है, मिग वेल्डिंग क्या होता है, इसका स्पेशल क्लास मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड करते हूँ। तो इस क्लास में डिस्कस करने का कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट आप लोग को वीडियो देख लेना, वो वीडियो का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप लोग जरूर देखना, क्योंकि टी वेल्डिंग मिग वेल्डिंग से अगर आप लोग का एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए आप लोग के लिए मैं एक स्पेशल क्लास भी बना के रखा हूँ। ओके, तो आप लोग जरूर देख लेना इस क्लास को कंप्लीट करने का बाद। एक ऐसा वेल्डिंग होता है GMAW जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ए फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट इज, एक स्थिर स्टेडी रेस्ट का क्या होता है, कितना पैड होता है, 1 पैड 2 पैड 3 पैड 4 एडजस्टेबल पैड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 3 एडजस्टेबल पैड होता है। एक एक पैड बनता है किस मेटल से, फॉस्फोरस ब्रोंज से बनता है। फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट हम लोग कब यूज करते हैं, जब एक स्थिर पोजीशन में लॉन्ग सिलेंडर जॉब को सपोर्ट देना पड़ता है, सहारा देने के लिए हम लोग फिक्स स्टेडी रेस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और एक कहाँ पे हम लोग फिक्स करते हैं, हम लोग लेथ बेड में फिक्स कर देते हैं। ओके, और एक होता है ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट, ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट हम लोग कहाँ पे करते हैं, सैडल में रखते हैं या कभी कभी कैरेज में भी ऑप्शन में दिया रहता है। तो क्या होता है, सैडल और कैरेज तो दोनों रहता है ना, कैरेज के एक भाग होता है सैडल, तो वो दोनों मूव होता है, तो जैसे कटिंग टूल मूव होगा तो वो अब जो स्टेडी रेस्ट होता है वो भी मूव होता रहता है, इसीलिए उसको ट्रेवलिंग स्टेडी रेस्ट कहते हैं, जिसमें दो एडजस्टेबल पैड रहता है। ओके, एक रहता है टॉप में और एक रहता है कटिंग टूल का पीछे, कटिंग टूल का ऑपोजिट में, कटिंग टूल अगर इधर से कटिंग टूल रहेगा तो इसका ऑपोजिट साइड में और एक पैड रहता है और इसका टॉप में और एक पैड, टोटल दो पैड रहता है ट्रेवलिंग स्टेडी रेस्ट में। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल फीड क्रॉस फीड एंड स्क्रू कटिंग मूवमेंट इन ए लेथ इज कंट्रोल्ड बाय। हॉरिजॉन्टल फीड, आप क्रॉस फीड और स्क्रू कटिंग मूवमेंट लेथ मशीन का कहाँ से हम लोग कंट्रोल करते हैं, हेड स्ट्रोक्स, टेल स्ट्रोक या क्रॉस स्लाइड या एप्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल फीड क्रॉस फीड हम लोग कहाँ से देते हैं, एक्चुअली तो हम लोग एप्रॉन से देते हैं ना, एप्रॉन से हम लोग देते हैं, एप्रॉन से हम लोग स्क्रू कटिंग मूवमेंट को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ही तो रहता है जो हाफ नट वगैरह सब रहता है, तो एप्रॉन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कैरेज का दो पार्ट होता है, एक होता है एप्रॉन और दूसरा पार्ट जो ऊपर वाला टॉप पार्ट होता है वो एच शेप का पार्ट होता है सैडल, सैडल का ऊपर एक एक पार्ट रहता है जो मैं अभी आप लोग को बता दिया हूँ। ओके, तो ये तो आप सभी के लिए मोस्ट वैल्यूएबल क्लास, वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, जितना हो सके फ्रेंड के साथ आप लोग शेयर कीजिए, और ऐसे फ्री क्लास पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और जितना हो सके आप लोगों का तरफ से सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।